हेलो दोस्तों मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है डेली दोस्तों आप लोगों के बीच मेरा क्लास टेंथ वाले बिहार बोर्ड क्लास टेंथ वाले के लिए क्लास टेंथ के मैथ का दोस्तों क्रैश कोर्स जैसे आपको मालूम है कि क्रैश कोर्स मेरा थर्टी डेज के लिए जो लास्ट का थर्टी डेज जो है उसके लिए जो चल रहा है दोस्तों उसी में मेरा जो ये जो क्लास है यानी ये बहुपद का ही ये लास्ट चैप्टर है कौन दोस्तों समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों जो कि मेरा पहला एक क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रीवियस क्लास में दोस्तों हम डिस्कस किए थे उसमें बताए थे कि किस किस टाइप का किस किस तरह से क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाला दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे हम क्लियर किए थे फर्स्ट क्लास में और आज दोस्तों अर्थमेटिक यानी ए का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है दोस्तों जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का ये मेरा दोस्त दूसरा लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर टू दोस्तों इसमें जानेंगे कि किस टाइप का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है दोस्तों तो आप इस क्लास के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में और इस क्लास के माध्यम से आपको सभी टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मेरा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले चुके हैं जैसे कि दोस्तों आपको बताया है, मेरा जो ये लास्ट थर्टी डेज का जो क्लास है क्रैश कोर्स के नाम से जो दोस्तों जो चल रहा है इसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम में जो जो आएगा ना उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ आप लोगों के लिए तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में न रहे दोस्तों जो हम यहाँ पर बता रहे हैं ना इसमें से आपको डायरेक्टली इस टाइप का को क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस क्लास को तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर ए है ए का मतलब बता चुके हैं ए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या, क्या? सेम्बुल यानी संकेत है जिसको हम लोग अर्थमेटिक ए से अर्थमेटिक पी से प्रोग्रेशन बोलते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपको समझा दे और कुछ इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताएंगे इस क्लास के माध्यम से एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे देगा एक दो नंबर में दे, दे देगा दो ए पी दे मतलब ए, ए पी का एक सीरीज़ दे देगा और दे 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 उसमें से पूछ देगा दे कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकाले दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला नंबर पहला नंबर स्टार का क्वेश्चन दोस्तों क्या है ए पी के लिए प्रथम पद और सार, सार्व अंतर लिखे तो ए पी क्या है दोस्तों पहला नंबर से यानी पहला का यानी इसको पहला समझ लीजिए ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है और ये पांचवा है यानी ये पांच तरह का ही क्वेश्चन मतलब यही में से किसी न किसी एक टाइप या दो टाइप का पूछ देगा दोस्तों चलिए पहला टाइप के बारे में आपको बता रहे हैं तो जैसे एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल ले तो कैसे निकालेंगे चलिए जानते हैं दोस्तों आप लोग अभी तक यदि नहीं भी पढ़े होंगे ना तो इस क्लास को देख कर आप इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो चलिए देखिए जैसे मेरा पहला इक्वेशन एक सीरीज ये, ये रहेगा तो इसमें से प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे निकालेंगे तो चले जानते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जैसे प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता दिए थे यदि मेरा क्लास वो हो देखे होंगे तो आप जानते होंगे यदि आप अभी भी नहीं देखे तो देख लीजिए आप यहाँ भी जान सकते हैं दोस्तों जैसे कोई सीरीज है यानी ए पी का कोई सीरीज दिया गया है इसमें से प्रथम पद क्या होगा और सार बंतर यानी डी क्या होगा दोस्तों उसको निकालते हैं दोस्तों किसी भी सीरीज का पहला लेटर जो होता है ना उसी को ए मानते हैं और इसी इस को क्या बोलते हैं पर पहला पद बोलते हैं क्या बोलते हैं पहला पद इसको ए से डिनोट करते हैं यानी इसका सिंबल ए होता है जो कि छ के, के बराबर में क्लियर दोस्तों यानी ए का मान कितना है ए बराबर कितना है छ है क्लियर दोस्तों यानी प्रथम पद प्रथम पद सिक्वेंस का क्या होता है पहला पद तो पहला पद क्या है यहाँ पे सिक्स है तो एपी का प्रथम पद क्या जाएगा सिक्स दोस्तों अब यहाँ पर दो यानी क्या बोला सार्व अंतर निकालने के लिए बोला गया है तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा यानी ए का सार्व अंतर दोस्तों इसको किससे डिनोट करते हैं डी से दोस्तों डी निकालने का फॉर्मूला क्या है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या हम यहाँ पर द्वितीय और प्रथम पद लिखे दोस्तों आप कोई भी सीरीज का कोई भी मतलब लगातार दो न मतलब आप वहाँ पर टर्म उठाकर दोस्तों यदि मतलब आगे आगे वाले टर्म से यदि पीछे वाला टर्म को हटा दीजिएगा तो आपको डी के बराबर में आएगा दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं डी तो डी का मतलब दूसरा पद क्या है दोस्तों यानी टी टू यानी यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है यहाँ पर देखिए आपको समझा दे कि ये क्या है टी वन इसको टी मान टी वन मानिए इसको टी टू ये टी थ्री ये T4 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो द्वितीय पद क्या दोस्तों यहाँ पे क्या मान है टी टू माइनस टी वन तो देखिए दोस्तों D बराबर क्या हो जाएगा टी टू का मान कितना है थ्री माइनस टी वन कितना है सिक्स दोस्तों टी वन इज इक्वल टू या कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा एक इज इक्वल टू टी वन होता है तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है ए जो कल टी वन ए मानिए या टी वन मानिए बात बराबर है दोस्तों यहाँ पर देखिए डी का फॉर्मूला होता है टी टू माइनस टी वन तो डी बराबर टी टू का मान कितना है थ्री है और टी वन का मान सिक्स है तो इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा है? दोस्तों माइनस का डी तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं दूसरा एक क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए क्या है सिक्स नाइन टूवेल्व फिफ्टीन तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कैसे बनाना है तो इसी प्रकार यहाँ पे आप बना सकते हैं इसको क्या बना सकते हैं ये, आ, ये ए ए का पहला पद बराबर क्या है दोस्तों यानी ए बराबर या टी वन बराबर क्या है सिक्स या यहाँ पे आप मान सकते हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर तो अब दोस्तों ये ए पी का पहला पद तो निकाल दिए छः है और ए पी का सार्वंतर यानी d बराबर दोस्तों आपको फॉर्मूला मालूम है t2 टू माइनस यहां पर लिख देते दोस्तों इसको d से डिनोट करते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं d बराबर t2 टू माइनस टी दोस्तों यहाँ पर देखिए t2 का मान कितना यहाँ पर नाइन है और t1 का मान कितना है सिक्स जब नाइन में से सिक्स घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों इसीलिए डी बराबर क्या जाएगा नाइन में से जाएगा तो थ्री तो देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन में दोस्तों आप ए निकाल लिए और टी निकालिए तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो भी इक्वेशन रहेगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर हम दूसरा टर्म और पहला टर्म को घटाएं आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर क्या घटा सकते हैं तो यानी टी फोर माइनस टी भी कर करेंगे तो उतना ही आएगा दोस्तों देखिए आप T4 का T4 का मान कितना है फिफ्टीन और टी थ्री का मान कितना है ट्वेल्व तो पंद्रह में से ट्वेल्व जाएगा तो कितना बचेगा तीन तो कोई भी दो लगातार नंबर को आप निकाल कर कैश कर सकते दोस्तों वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उसका ए पी मतलब प्रथम पद और सार्व अंतर दोस्तों निकाल सकते हैं तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों इसको क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए और आप दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने ए पी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर यदि आपको निकालने के लिए बोलेगा तो दोस्तों आप आराम से निकाल सकते हैं यानी इसी प्रकार पहला पद बराबर यानी ए पी का प्रथम सीरीज का प्रथम पद हो जाएगा दोस्तों सार्व अंतर निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला जैसे बताए थे डी टी टू माइनस टी वन या सार मतलब उस सीरीज का कोई भी दो लगातार नंबर में से यानी पहला मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म को आप घटा दीजिएगा तो वहाँ से आपको डी निकल जाएगा दोस्तों तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों और जब भी एपी और पूछे तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बनाइएगा सार्वंत्र कैसे जाता है। दोस्तों एपी में ही अगला टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं जैसे दोस्तों क्या दूसरा टाइप का एपी ज्ञात करें यदि सातवां पद और तेरहवा पद क्रमशः थर्टी फोर और सिक्सटी फोर है कि ए पी ज्ञात करें यानी ए पी निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है यदि उसके सातवां पद और तेरहवा पद क्रमशः चौंतीस और चौंसठ है तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो मान लीजिए क्या है दोस्तों जैसे सातवां पद और तेरहवा पद दे दिया गया है तो यहाँ पे देखिए सातवां पद बराबर सातवां पद आपको दिया गया है तो सातवां पद को क्या लिखिएगा दोस्तों आपको मालूम होगा सातवां पद के लिए आप इसको लिख सकते हैं टी एन बराबर ए प्लस सिक्स डी लिख सकते हैं दोस्तों तो सातवां पद के लिए सात इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आ, सेवन टी एन यानी सातवां पद के लिए हो गया चौंतीस से बराबर में चौंतीस आप कर दीजिएगा यानी कितना है चौंतीस यानी ए प्लस ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू कितना है थर्टी फोर इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए तथा यहाँ पे फिर दोस्तों क्या जाएगा चलिए यहाँ पे तो फार्मूला है फिर यहाँ पर टी एन बराबर आपको मालूम है या सेवन ले लीजिए टी सेवन बराबर यहाँ पे कितना है थर्टीन तेरहवा पद इसका फार्मूला क्या होता दोस्तो? है दोस्तों यानी टी एन बराबर चलिए आपको मालूम है दोस्तों यहाँ से समझ आइए कि सातवां पद बराबर क्या हो गया सेवन ए, टी सेवन इज क्योंकि आपको मालूम है यानी ए में यदि डी जोड़ते हैं तो अगला पद आता है यानी थर्ड पढ़ने पद निकालने के लिए ए प्लस टू डी यानी तीसरा तीसरा पद हो जाता है चौथा पद निकालने के लिए ए प्लस थ्री डी पाँचवा पद निकालने के लिए ए प्लस फोर डी ऐसे प्रकार आगे बढ़ते हैं तो सातवां पद के लिए क्या होगा दोस्तों ए प्लस सिक्स डी इजल टू सेवन सातवां पद यानी ए प्लस सिक्स डी इज्क्वल टू थर्टी फोर सातवां पद दिया गया थर्टी फोर तो थर्टी फोर इसी प्रकार टी थर्टीन यानी तेरहवा पद बराबर तेरहवा पद का बराबर क्या होगा दोस्तों ए प्लस ट्वेल्व डी तो यहाँ पे टी इसका मान आप रख सकते हैं ए प्लस टूवेल्व डी बराबर कितना है सिक्सटी फोर इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए अब समीकरण फर्स्ट घटे फर्स्ट माइनस सेकेंड से दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी माइनस थर्टी फोर ए प्लस ट्वेल्व डी इजिकल टू सिक्सटी फोर इसको घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा एक कट जाएगा ए में से गया जीरो माइनस का सिक्स डी इजिकल टू तो माइनस का थर्टी माइनस माइनस गया दोस्तों इसीलिए क्या होगा डी बराबर तीस बट्टा सिक्स यानी काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा पाँच तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए मतलब डी बराबर कितना निकल के आ गया पाँच कितना गया दोस्तों ए डी बराबर पाँच तो आपको निकालना क्या है ए पी ज्ञात करे यदि उसके सातवां पद और तेरहवा पद क्रमशः चौंतीस और चौसठ है तो दोस्तों आपको डी निकल के तो आ गया जब डी निकल के आ गया दोस्तों तो आप क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट या सेकंड से, से, दोनों में से किसी में आप क्या कीजिए डी का मान रखेगा तो आप ए को मान मिल जाएगा चलिए लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में डी बराबर फाइव रखने पर पहला से क्वेश्चन क्या है दोस्तों ए प्लस सिक्सटी इज टू थर्टी फोर तो ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थर्टी फोर यानी ए प्लस सिक्स गुने डी का मान दोस्तों पाँच है तो पाँच बराबर थर्टी फोर तो ए प्लस थर्टी बराबर थर्टी फोर ए बराबर थर्टी फोर जब बराबर उसके उस साइड जाएगा थर्टी तो क्या जाएगा दोस्तों माइनस का थर्टी हो जाएगा इसीलिए ए बराबर कितना हो गया फोर तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया है यदि ए पी याद करें उसके सातवां पद और तरहवां पद क्रमश इतना इतना है तो दोस्तों देख पा रहे सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा सातवां पद बराबर टी से टी सेवन बराबर ए प्लस सेवन सिक्स डी तो यानी ए प्लस सिक्स डी इज्क्ल थर्टी फोर समीकरण फर्स्ट मान लिए दोस्तों फिर तेरहवा पद के लिए दोस्तों टी थाटी थर्टीन थाटी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस ट्वेल्व डी यानी ए प्लस ट्वेल्व डी इजल टू सिक्सटी फोर समीकरण सेकंड मान लिए फिर समीकरण फर्स्ट घटे सेकेंड से किए जैसे जैसे घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ गया डी जुकल टू फाइव आ गया जब डी बराबर हमको फाइव आ गया दोस्तों तो क्या किए समीकरण फर्स्ट में या आप कोई भी सेकेंड में भी रख सकते हैं डी मान जैसे ही रखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा आप दोस्तों ए पी निकालने के लिए आप दिखा रहे ए बराबर कितना आ गया चार तो दोस्तों टी टू बराबर क्या होगा टी टू बराबर इसका फार्मूला होता है दोस्तों क्या कि क्या होता है टी वन प्लस डी तो टी वन यानी T1 वन के मान a a के बराबर में होता है दोस्तों यानी T1 वन इज इक्वल टू ए यानी दो आपस में बराबर होता है तो क्या हो जाएगा चार प्लस दोस्तों डिफरेंस कितना है पाँच तो पाँच जोड़ देंगे तो कितना आएगा नाइन तो यहाँ पर नाइन आएगा फिर मान लीजिए टी थ्री निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है टी टू प्लस फाइव तो टी टू का मान कितना है नाइन तो नाइन प्लस पाँच कितना हो जाएगा तेरह तो तेरह आ गया अगला, अगला पद फिर दोस्तों आप देख पा रहे हैं अगला पद यानी टी फोर निकालने के लिए क्या है टी टी फोर बराबर क्या होगा टी थ्री प्लस डी तो टी थ्री का मान कितना आया दोस्तों तेरह तेरह प्लस पाँच कितना होगा तेरह पाँच अट्ठारह इसी प्रकार दोस्तों टी फाइव आप जितना निकालना चाहते हैं निकाल सकते टी फाइव बराबर टी फोर प्लस डी तो यहाँ पर टी फोर का मान अठारह अच्छा। है अच्छा। 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 प्लस पाँच अठारह पाँच कितना होता है तेईस दोस्तों तो देख पा रहे हैं चार आया नौ आया थर्टीन आया अठारह अच्छा। तेईस इसी प्रकार दोस्तों आप जितना चाहे निकाल सकते तो दोस्तों यहाँ पे ए पी निकालने के लिए बोला गया था तो ए पी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आया, ए पी बराबर कितना आया चार नौ तेरह अठारह तो डॉट 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 दोस्तों ये ए पी है क्या है ये ए पी इस इसका ए पी कुछ इस प्रकार है क्या है ए पी बराबर चार नौ तेरह अठारह आप जितना पद आगे निकालना चाहते दोस्तों निकाल सकते हैं तो यदि ए पी ज्ञात करने के लिए इस टाइप का आपको कोई भी पद दे दे दो पद दे देगा और वहाँ पर बोलेगा कि ए पी फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों इसी प्रकार से पहले वो पद का क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा दोनों का समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानकर जब इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद दोस्तों आपको डी प्राप्त हो जाएगा जब डी निकल जाएगा तो समीकरण कोई में एक डी का मान रखेगा तो आपको ए प्राप्त हो जाएगा और ए का मान जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम है दोस्तों कि टी टू मतलब प्रथम पद और बन पर आपको पता चल गया तो पहला सेकेंड पद के लिए टी टी वन प्लस और यानी जिस को निकालना है ना, उससे पहला में दी तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको कर और इस, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप बढ़ते हैं आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए अगला अगला टाइप का को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का को दोस्तों क्वेश्चन क्या है यदि यही में ए पी में ही यानी आपको क्या और एगो ए पी का मतलब सीरीज दे देगा ए पी दे देगा दे दे उसमें से बोल देगा क्या कोई पदों का मतलब यो, पद का मान बोलेगा फाइंड करने के लिए तो कैसे निकालेंगे जैसे मान लीजिए क्या है पहला दूसरा टाइप हो गया ए पी वन फोर सेवन टेन के बीसवें पद का मान ज्ञात करें दोस्तों यहाँ पे ए पी दिया गया है ए पी के बोला है बोला जा क्या रहा है बीसवें पद का मान क्या होगा तो सबसे पहले दोस्तों ए पी क्या दिया हुआ है ने थ्री टाइप का क्वेश्चन जो है ए पी दिया गया है ए पी देख लेते हैं वन फोर सेवन टेन डॉट 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 दिया गया है और बीसवें पद पूछ रहे तो बीसवें पद क्या होगा दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हल यहाँ पे एक बराबर क्या है यानी ए यानी प्रथम पद प्रथम पद यानी ए बराबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक और सार्व अंतर सार्व अंतर यानी डी बराबर दोस्तों आपको मालूम है द्वितीय पद प्रथम पद द्वितीय पद मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद तो चार माइनस वन इज टू थ्री तो दोस्तों आप देख पा रहे ए बराबर आ गया कितना वन और डी बराबर कितना आ गया थ्री तो जब आपको दोस्तों बीसवें पद का मान निकाल रहा है तो टी ट्वेंटी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा फार्मूला टी ट्वेंटी बीसवें पद का मान पूछ रहा है दोस्तों बीसवें पद के जब पूछेगा तब क्या कीजिएगा इसका फॉर्मूला आपको बता दिए ए प्लस कितना हो जाएगा यानी बीसवा पद पूछ रहा है ना तो ए आप निकाल लिए यहाँ से डी निकाल लिए और बीसवा पद पूछेगा तो उससे आपको अभी जैसे बताए प्रीवियस में क्या बताए ए प्लस नाइन्टीन डी हो जाएगा दोस्तों तो देख पा रहे हैं बीसवें पद के लिए ए प्लस डी तो ए का मान कितना है ए का मान वन है और प्लस नाइनटीन तो आएगा ही जैसे अभी बताया था दोस्तों कि पाँचवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस फोर डी तो इसी इसी प्रकार बीसवें पद निकालने के लिए क्या होगा ए प्लस नाइनटीन डी तो दोस्तों आप क्या करेंगे सिंपली क्या करेंगे ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए वन प्लस उन्नीस दिया कितना तो दोस्तों सत्तावन तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी एट इसीलिए टी ट्वेंटी बराबर कितना हो गया फिफ्टी एट तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बीसवें पद कितना आ गया फिफ्टी एट क्लियर दोस्तों तो इसी प्रकार से यदि ए दिया रहेगा उसका कोई भी पद पूछ दे तो आप क्या निकालेगा प्रथम पद पहले पता कीजिएगा तो प्रथम पद यानी ए का यानी सीरीज का ए सीरीज का प्रथम पद यानी होता है और सार्व अंतर क्या होता है टी टू यानी कोई भी दो लगातार किसी में से ले लीजिए डिफरेंस तो सेम ही आएगा दस में से सात जाएगा तीन सात में से चार जाएगा तीन या चार में से एक जाएगा तीन यानी ए का क्या, क्या होता है कोई भी दो लगातार ट्रम के आदि डिफरेंस क्या होता है डी होता है यानी सेम होता है तो जब को आपको, आपको ए पता चल जाएगा डी पता चल जाएगा तो आप टी एन बराबर आपको दोस्तों जैसे कि आपको फार्मूला हम दिए थे टी एन बराबर ए प्लस डी तो दोस्तों इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप क्या जो जो टर्म दिया रहेगा जो नंबर दिया रहेगा तो टी ट्वेंटी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस नाइन्टीन डी तो दोस्तों इस फार्मूला पर आप क्या किए हम ए बर... टी ट्वेंटी बराबर ए प्लस नाइन्टीन डी रख दिए ए और डी का मालूम डी का मान मालूम था जब यहाँ पर रखे तो दोस्तों टी ट्वेंटी का वैल्यू निकल के आ गया तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि थर्ड टाइप का यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना है आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए नोट कर लीजिए इसको और इसको चलिए आप मिटा देते हैं आप समझ चुके होंगे दोस्तों यदि इस टाइप का को क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट टाइप को के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आगे किस टाइप का को क्वेश्चन आ सकता है ए पी ए पी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो दोस्तों क्या है फोर्थ टाइम में फोर्थ नंबर यानी इस टाइप दोस्तों अलग टाइप का को क्वेश्चन क्या ए पी दिया गया है दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस डॉट डॉट हंड्रेड में कितने पद हैं यानी इसमें पूछ इसमें पद का मान पूछा था इसमें पूछ रहा है टोटल कितना पद है इसके बीच में यानी 10, 15, 20, 25, तीस और 100 के बीच में दोस्तों कितने पद है वो पूछ रहा है जो फॉर्मूला दोस्तों आपको प्रीवियस क्लास में दि, बोल दिए थे कि याद करने के लिए यानी टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दोस्तों ये जो फार्मूला बताए थे ना इसी फार्मूला पर इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता दोस्तों बनता है तो चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को के हम लोग करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से इसको बनाएंगे सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ये ए पी दिया इतना दिया गया है और तीस और एक सौ के बीच में पूछा जा रहा है कि कितने पद है कितने पद है ये कितना पद है वो पूछा जा रहा है दोस्तों तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे ए पी जो दिया गया है फोर्थ टाइप टाइप का क्वेश्चन ए पी है दोस्तों दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस डॉट डॉट एक सौ यानी एक सौ एक सौ में कितना पद है वो पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला पद और सार्व सार अंतर निकालेंगे पहला पद यानी ए बराबर दोस्तों एपी सीरीज का पहला पर्म टर्म पद ही होता है तो दस और सार्व अंतर यानी डी बराबर दोस्तों आपको मालूम है टी टू माइनस ये टी वन है ये टी टू है ये T3 इसी प्रकार सब है तो आपको मालूम है T2 टू माइनस टी होता है T2 का मान 15 माइनस का 10 तो कितना जाएगा पाँच यानी D बराबर पाँच दोस्तों आप देख पा रहे यहाँ से कितना आसानी से A और D पता चल गया जैसे A और D पता चल जाएगा तो क्या है फार्मूला क्या है फार्मूला रखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्लियर दोस्तों ये फार्मूला है ये फार्मूला पे हमको क्या करना है वैल्यू पुट रखना है दोस्तों यानी कि इस किसका नेम पूछा जा रहा है हंड्रेड का टी हंड्रेड एन बराबर कितना है दोस्तों एक सौ यानी यहाँ पे टी हंड्रेड यानी एक सौ में कितना पद है तो उसको रखेंगे ए का मान दोस्तों हमको पता चल गया है। दस तो दस प्लस एन का मान पता नहीं है तो ऐसे ही रखेंगे वन नहीं मालूम है डी का मान दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ से पाँच निकाल लिया है दोस्तों देखिए गुना में इसको पहले इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये एक सौ माइनस का दस उधर प्लस में तो उधर आएगा माइनस का इसीलिए एन माइनस वन इंटू फाइव यहाँ से जब घटाएंगे दोस्तों तो हंड्रेड में से दस जाएगा तो नाइनटीन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फाइव दोस्तों यहाँ से देखिए ये गुना में है ये दो ये एन माइनस वन इंटू फाइव क्या है गुना में जब हम एन माइनस वन निकालेंगे एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा नाइनटीन बाई फाइव यानी एन माइनस वन इज इक्वल टू उन्नीस पंच अठारह पंच दोस्तों कितना होता है नब्बे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एट्टीन तो अठारह आ गया अब देखिए एन माइनस वन इज टू एट्टीन इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा एट्टीन और ये माइनस का वन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस का तो दोस्तों यहाँ से क्या एन बराबर कितना आ गया फाइनली एन इज इक्वल टू अठारह प्लस एक उन्नीस तो देखिए इसके बीच में कितना पद है उन्नीस पद है तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना पद है एन बराबर निकल के आ गया कितना उन्नीस तो इसी प्रकार के जब आप क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं तो कैसे बनाए दोस्तों क्या था क्वेश्चन ए पी के दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस डॉट 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 एक सौ में कितने पद हैं तो दोस्तों क्या किए ए पी में क्या किए पहले पहला पद प्राप्त किए जो कि दस है फिर सार्वन तर निकाले जो फाइव प्राप्त हुआ फिर ए पी का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर फॉर्मूला तो दोस्तों ए प्लस एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो दोस्तों आप टी एन बराबर आपको पता था कि हंड्रेड है हंड्रेड पद के बीच को योग पदों की संख्या पूछ रहा है तो टी एन बराबर हंड्रेड एक मान दोस्तों दस यहाँ पर से सवाल से मालूम है डी निकाल चुके हैं दोस्तों जो कि पाँच है तो जब इसको क्या किए सॉल्व सौ, किए तो दोस्तों कितना एन बराबर कितना निकल के आ नाइनटीन यानी इस टर् इसके बीच में यानी थर्टी टू और हंड्रेड के बीच में कितना पद है दोस्तों तो नाइन्टीन पद है क्लियर तो आप समझ चुके होंगे जब उस किसी नंबर के बीच में किसी सीरीज के बीच में कोई पदों की संख्या पूछे कि कितना है तो आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों आप निकाल सकते हैं तो क्लियर दोस्तों समझ चुके होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आप बनाइएगा तो चलिए दोस्तों आप इसको मिटा देते हैं आप उतार लीजिए इसको अच्छा से और अभी से एग्जाम तक आपको ऐसे ही क्या करना है प्रैक्टिस करना है दोस्तों तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये अगले टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा सभी को ध्यान देखिए अभी एक बार जो एक क्वेश्चन हम हर एक अलग अलग टाइप को अलग अलग टाइप का को क्वेश्चन एक करवा रहे हैं इसी को आप बार बार क्या कीजिए बनाइए या अपने मन से कोई क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली इसी टाइप का को क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों दोस्तों लास्ट टाइप का को क्वेश्चन जैसे देखिए ए के एक पाँचवा टाइप दोस्तों क्या है ए के पंद्रह पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः पाँच और पचहत्तर है दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है? ये अलग टाइप में क्या पूछ दिया गया है कि एपी एक एपी के पंद्रह पदों का योग क्या हो क्या पा है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः पाँच और पचहत्तर है दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पंद्रह पदों का योग क्या होगा और यहाँ पर दिया है क्या प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है तो उसका पंद्रह पदों का योग क्या होगा तो ये निकालना है योग निकालना है दोस्तों तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे प्रथम पद क्या दिया यहाँ पर तो दिया है ए पी का प्रथम पद बराबर कितना दिया है पाँच तथा ए पी का अंतिम पद इजल टू सेवेंटी फाइव पंद्रह अब ए पी प्रश्न से ए पी के पंद्रह पदों का योग इज इक्वल टू वाट क्या होगा ये निकालना है दोस्तों तो फार्मूला सूत्र से सूत्र क्या होता है दोस्तों एस एन बराबर यानी पदों का योग बराबर आपको जैसे क्लास में बता दिया कि दोस्तों क्या होता है इसका एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों फार्मूला एन बाई टू एन बाई टू इंटू टी वन प्लस एन यानी प्रथम पद इसको जैसे यदि बोले तो इसको आप बोल सकते क्या एन बाय टू इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद क्लियर दोस्तों यानी एस एन का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन वाई टू इंटू प्रथम पद माइनस अंतिम पद इसी को बोलते हैं टी वन यानी प्रथम पद टी एन का मतलब अंतिम पद दोस्तों तो एस एन कितना है एस एन निकालने के लिए कितना है एन वाई टू इंटू टी एन प्लस एस एन तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना पद का पूछ रहा है पंद्रह पदों का योग पूछ रहा है तो इस एन के जगह पर क्या आएगा एस एन एस फिफ्टीन इज इक्वल टू पंद्रह पदों का योग पूछ रहा है तो पंद्रह वाई टू एन बराबर एन बराबर दोस्तों कितना पूछ रहा है पंद्रह तो एस एस फिफ्टीन बराबर फिफ्टीन बाई टू इंटू प्रथम पद कितना है दोस्तों पांच और अंतिम पद कितना है पचहत्तर तो आप देख पा रहे हैं पंद्रह बाई टू गुने या गुने होता है दोस्तों यदि आप नहीं समझ पा रहे तो गुना होता है पा, पांच और पचहत्तर कितना होता है अस्सी फिर यहाँ से क्या होगा दोस्तों देखिए फिफ्टीन बाय टू गुने को ब्रैकेट हटेगा तो अस्सी काटेंगे तो कितना हो जाएगा चालीस गुना अस्सी दोस्तों और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा पंद्रह चौका का साठ यानी 600 सौ इसीलिए दोस्तों एस फिफ्टीन बराबर कितना आ गया छः सौ तो इस प्रकार का टर्म अब जैसे जब भी आपको पूछे दोस्तों तो ऐसे ही बनाने का कोशिश की कोशिश कीजिएगा यानी ए पी के प्रथम पंद्रह पदों का योग क्या है इसके प्रथम पद और क्रमशः अंतिम पद क्रमशः फाइव और पचहत्तर इसी प्रकार से दो पद दे दिया जाए आपको और उसमें से कुछ पदों का दस पद दस पदों का योग बीस पदों का योग पंद्रह पदों का योग या जो भी पूछे आपको दोस्तों तो इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा फार्मूला यानी पदों का योग का फार्मूला क्या होता है एस एन इजिकल टू एन बाई टू इन इंटू क्या होता है प्रथम एन वाई टू इंटू प्रथम पद माइनस प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोस्तों जैसे इस पे आप वैल्यू पुट कर कीजिएगा एस एन जितना वैल्यू का पूछेगा वहाँ पे एस एन के जगह पर आप जो दस बोले तो दस बीस बोलेगा तो बीस पंद्रह बोले तो पंद्रह रखकर सॉल्व कीजिएगा तो एस एन बराबर निकल जाएगा यानी एस एन यानी एस फिफ्टीन एजुकल्टर कितना आया दोस्तों सिक्स हंड्रेड तो दोस्तों ए पी में इसी टाइप्स का कुछ है जो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में हर बार इसी इसी पाँचों तरीका में से कोई ना कोई एक तरीका से आपको पूछ देता है दोस्तों तो आई होप यदि ये क्लास यदि पूरा आप देख लेते तो दोस्तों आपको ए पी से जो भी क्वेश्चन आएगा आप प्रॉपर तरीका से आप एग्जाम में बना सकते हैं दोस्तों और ए पी में इतना ही क्वेश्चन है कुछ खास नहीं है दोस्तों आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कहाँ से आता है और सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का आपको दो नंबर में तीन नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा जो कि आपको इस क्लास में दोस्तों आपको बता चुके हैं दोस्तों इस क्लास को अच्छा से मतलब आप देख लिए हैं इसको नोट भी हम जैसे बोले हैं कि शॉर्ट नोट की तरह आप इसको क्या कीजिए बनाइए और कंटिन्यू बेसिस उस पर मेरा ये क्लास जो आता है दोस्तों आप थर्टी डेज तक यदि देख लेते हैं तो दोस्तों एग्जाम में डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं इसको आप अच्छा से अच्छा कर पाइएगा बहुत ही अच्छा आप जितना सोचे होंगे उससे कई ज़्यादा अच्छा आपको दोस्तों नंबर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लास में आपको जो भी मिलेगा एकदम डायरेक्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं और हम बता रहे हैं जिससे कि आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होगा तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय